जय। अभी इस बहुत परिक्रमा बहुत बीच बीच में जहाँ कथा करेंगे ना शुरू में, और नहीं तो जब बीच में जब जाएंगे हम वहाँ से मिल तला से वहाँ से लोगों को मैसेज पहुँचेगा ना, चल दिए थोड़ी सी देर तक, 10 मिनट कर लेगा बस, कौन दिखता है फिर बंद कर देगा आगे चल के। हाँ 10-15 मिनट चल रहे हैं, लोगों को मैसेज पहुँचा लोग देखेंगे ना, चल दिए चल दिए देखते रहते हैं कि हाँ यहाँ आया। नेट बैटरी पूरा दबा के रखते हैं खत्म होने का, 20,000 में इसकी बैटरी ले रहे और नेट ले रहे सभी फोन में। चलो कितने का लगाना बढ़िया इधर इधर ले हम लोग नहीं सामने से करो ना ठीक है ऐसे इसलिए आज हम लोग आज एकादशी है, एकादशी का दिन हम लोग वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम लोग परिक्रमा में जा रहे हैं, अभी अभी जहाँ पर आए हैं स्थान का नाम है इमलीतला, जहाँ पर कृष्णा रास से अंतर ध्यान करने के बाद जहाँ पर आ करके राधा रानी की चिंता करते 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 कृष्ण काले से गौरव बन गए। गौरव बनने के बाद जब राधा रानी उनको ढूंढते ढूंढते आई आ करके दिखाई तो कृष्ण है, इनका बंसुरी है, मयूर मुकुट है, इनकी शरीर में पीतांबर है, लेकिन ये तो गौरव क्यों वो समझ गए कृष्ण मेरे अंग कांति को धारण किए हुए है। तब राधा रानी आ करके जब स्पर्श करती हैं, स्पर्श करने का बाद धीरे 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 कृष्ण का चेतन आती है, फिर कृष्ण अनुभूति करते हैं यद्यपि मैं स्वयं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन हूँ, लेकिन राधा रानी चिंता करते करते आज मेरे को एक नया आनंद प्राप्त हुई जो आनंद हमें कभी भी नहीं मिला। जरूर राधा रानी का प्रेम में कुछ विशेष बात, तब उन्होंने
स्थिर किया है, उन्होंने स्थिर किया है मैं कलयुग में राधा रानी का अंग गांठी और भाव लेकर के मैं आऊँगा और मैं राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करूँगा। इसलिए अभी हम लोग जिस स्थान पर है, इस स्थान का नाम है हिमली कला दिखाते पूरा होगा धीरे धीरे हो गया परिक्रमा कर लो। हाँ देखो ये स्थान का नाम है इमली तला। क्या नाम है? इमली तला। देख तो ये पेड़ का नाम देख रहे हो कौन सा पेड़ है? ये इमली तला। महाप्रभु इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और महाप्रभु यहीं आकर के बैठ करके 5-6 घंटा तक यहीं पर महाप्रभु हरिनाम करते थे। और हरिनाम करते हुए क्योंकि ये हरिनाम राधा रानी के मुँह से ही सर्वप्रथम ये हरिनाम निकली थी, इसलिए महाप्रभु यहीं पर बैठ करके इन्होंने यहीं पर हरिनाम करते थे और यमुना जी को दर्शन करते रहते थे। और यहीं पर ही कृष्ण को अनुभूति हुई थी राधा जी की प्रेम में कोई विशेष बात है, क्योंकि मैं राधा रानी की चिंता करते करते मेरे को एक अलग आनंद प्राप्ति हुई जो आनंद हमें कभी भी नहीं मिला। हाँ इसलिए कलयुग में फिर राधा जी की भाव अंग करके लेकर के आए और जगत में हरिनाम को प्रचार किया, इसलिए ये हम यहीं से परिक्रमा शुरू कर देते। ठीक है महाप्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हाँ इधर सुन लो, आज के जो दोपहर में जो प्रसाद होगी ना हमारे रूप सनातन मठ में होगी प्रसाद, लेकिन शाम को जो झूला में हम लोग जो बैठेंगे शाम को जो झूला होगी तो हम लोग यहीं पर आ जाएंगे। हम लोग शाम को चाय के लिए आ जाएंगे, कीर्तन होगी, प्रसाद होगी, शाम को झूला में बैठेंगे।
जिसमें मिलते रहे आप एक बार मैसेज सबको पहुंचाते रहे, ठीक है ना? ठीक, सब पहुंचा दो, सबको पहुंचा दो। एक दस को दस सौ जय बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। ठीक है।